फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न किचन गार्डनिंग उत्सव चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भरेंगे हम अपने इस ग्रो बैग को। तो आज फ्रेंड्स पूरा डिटेल्ड वीडियो है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि ये मिट्टी हमारी सूख रही थी, तो देखें इसने पूरे नीचे मॉइस्चर अपना छोड़ा हुआ है। ये मिट्टी बहुत ही अच्छे से भुरभुरी हुई मिट्टी है, ये ऊपर की टॉप सॉइल है। फ्रेंड्स, हमने क्या करा है इस ग्रो बैग में, देखें आप लोग आज देख ले पहले कि इस ग्रो बैग को हमने पहले पूरा नहीं खाली किया। अगर आपके भी बड़े कंटेनर्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी बोरियाँ हैं जो फट रही है, उसको तो चेंज करना पड़ेगा हमको और आप लोगों को भी। लेकिन जो कि नहीं फट रही है, जो कि बिल्कुल सही है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की मिट्टी को चेंज कर लेंगे। ऊपर की मिट्टी को चेंज करने के बाद नई अच्छी तरह से सॉइल प्रिपेयर करके हम आपको पूरा आज बताएंगे वीडियो। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लें फ्रेंड्स ये इसमें हम लोग क्या मिलाने वाले हैं ताकि मिट्टी भुरभुरी होए। आज सभी चीज़ पे हम लोग डिटेल्ड टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये हमारी मिट्टी है, साथ ही साथ ये देख ले, ये राख है, ये गोबर खाद है, ये गोबर खाद का कितना परसेंटेज मिलाएंगे वो सब भी बताएंगे आपको। और फ्रेंड्स देख लें, हम तो नीम खली भी नहीं मिलाते हैं, तो कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपके पास नीम खली है तो आप लोग मिला लें, और कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारा बोन मील डालने की या बहुत सारे चीज़ आपने डाल दी। सिर्फ आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद बस भी है तो भी आप उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो में हम आपको यही सब, तो आइए तो फ्रेंड्स देखें हमको पहले सबसे पहले करना क्या है इसमें। हमने आप अगर आपने ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, तो हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ये पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश कर लिया, जिसको कि कुट्टी करना कहते हैं गांव की भाषा में। तो उसको हमने ऐसे छोटा छोटा क्रश कर लिया पीसेस में और धूप में सुखा लिया है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है फ्रेंड्स। तो इस वाले पार्ट को हम लोग उसमें ग्रो बैग में भरेंगे ताकि बहुत अच्छे से खाद बने। और उसका पूरा संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, ज़रूर विज़िट करें एक बार आप लोग उस वीडियो पर भी, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। तो इस ग्रो बैग में अभी हम आगे क्या उगाने वाले हैं इसका तो अभी हमें भी अच्छे से ध्यान नहीं है, कुछ पक्का नहीं है, लेकिन जो भी उगाएंगे आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स देखें अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं, जो हमारी ये जो नीचे की लेयर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ खाद इसमें भी मिलाएंगे और फिर उसके ऊपर से इस वेस्ट को भर के इस मिट्टी में गोबर खाद को मिलाएंगे। तो स्टरलाइज करने का किसी ने पूछा था कि कितना स्टरलाइज करना है मिट्टी को, फ्रेंड्स धूप दिखा दी है तो ये पूरी तरह से अच्छी हो गई, इसके बैक्टीरियाज नहीं मरे हैं। 60% लगभग आप इसको स्टरलाइज कर लें इस सॉइल को, फिर उसके बाद ये बहुत ही अच्छी न्यूट्रिएंट्स, इसमें सोलर एनर्जी भी होती है, तो ना अब आप इसमें गोबर खाद वगैरह सब चीज़ मिला के भरेंगे, बहुत अच्छी आपकी मिट्टी तैयार होगी। तो देख लें मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है, भुरभुरा करने का भी इसका यही तरीका होता है। सो फ्रेंड्स वीडियो पर बने रहें, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ज़रूर होगा लेकिन देखते जाएं। तो फ्रेंड देखें हम पहले इसके नीचे वाली लेयर में भी खाद को मिला रहे हैं, पहले हम इसमें नीचे की खाद को मिलाएंगे और ऊपर से इसमें बहुत अच्छे से इसको हमको फ्रेंड्स क्या करना है, मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो इसमें नीचे भी राख को डाल सकते हैं। और आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, गोबर खाद को भले ही आप लोग फैला के ना डालें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि धूप में इसको एक बार ज़रूर दिखा लें। फ्रेंड्स हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देख लें आप लोग भी। आप भी अगर इस तरह से फ्रेंड्स मिट्टी तैयार करते हैं तो निश्चित आपकी भी बहुत अच्छी खाद, बहुत अच्छी फसल होगी। तो ये देख लें फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर नहीं है, गोबर खाद है और कम खाद है तो भी इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर दिया है, अब मिक्स करने के बाद में हम लोग इसमें ये गार्डन का वेस्ट भर रहे हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमने इसमें लगभग, ये शायद पूरा तो नहीं आएगा, देखते हैं कितना आता है, जितना भी आएगा उसको हम लोग देख के भर लेते हैं। तो ये कुछ इतना बचा लेते हैं फ्रेंड्स। और ये देखें हम इसमें ये वेस्ट को अच्छे से
भर देंगे। जैसे जैसे फ्रेंड्स ये वेस्ट क्या है डिकम्पोज होता जाएगा, डिकम्पोज होगा वैसे ही वैसे रूट्स तो अभी फ्रेंड्स क्या होता है आसानी से जो भी रूट्स है वो पहले तो नीचे ही रहती है, ऊपर ही रहती है 2 से 3 इंच के गैप में, फिर उसके बाद रूट्स धीरे धीरे नीचे आना शुरू होती है। जब तक रूट्स नीचे पहुंचेंगी तब तक इसमें बहुत अच्छा ये खाद न्यूट्रिएंट तैयार हो जाएगा। तो ये देखें आप लोग अगर इसमें चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा राख स्प्रिंकल कर दें, हम आपको दिखाते हैं। तो ये वेस्ट हमने डाल दिया है, उसके बाद में अब हम लोग ये शुद्ध जो हमारी राख होती है आप देख लीजिए कोयले की राख है और लकड़ी भी कुछ इसमें पार्ट मिक्स है, ये राख डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखें हमने अब उसको भर लिया है, उसके बाद में हम लोग उसमें भी खाद मिला लेते हैं। आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है कि खाद का परसेंटेज और आपका कंटेनर का साइज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप लोग जितना ज़्यादा अपनी मिट्टी पर काम करेंगे उतनी अच्छी आपकी फसल होगी। तो देखें ये हमारी खाद बिल्कुल भुरभुरी है, अच्छी तरह से सड़ी गली गोबर की खाद की यही पहचान होती है, आप लोग भी ज़रूर देख लें अच्छी तरह से। अगर आपकी भी खाद सड़ी गली हुई है तो इसके ऐसे डिगले डिगले होंगे और बिल्कुल इससे स्मेल नहीं आएगी। तो ये लगभग हमने इसमें आधी से थोड़ी कम बोरी खाद मिला दी है क्योंकि इसमें पहले से बहुत सारी खाद मौजूद थी इस फाइल में। तो ये देख ले आप लोग कैसे आप इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी तो आदत हमेशा हम हाथ से इसको ऐसे आराम से मिक्स करते हैं। इसमें अगर आपके पास में नीम खली है तो आप लोग उसको डालें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप इस राख एक मुट्ठी के लगभग राख और अगर चूना है चूना भी डाल सकते हैं इसमें। अब हम आपको मिक्स करने के बाद दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग आपको मिट्टी हमने पूरे मिक्स कर लिए, आप लोग मिट्टी का टेक्सचर देखें बस फ्रेंड्स क्या बढ़िया मिट्टी है हमारी, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। अगर फ्रेंड्स आपकी अगर मिट्टी पर अगर आपने काम कर ली है तो समझिए आपकी आधी वेजिटेबल्स तो वैसे ही के वैसे हो जाती है। और मिट्टी के बाद जो मेन बात आती है वो आती है खाद की, खाद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खाद में आप लोग गोबर खाद प्रेफर कर सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग और ज़्यादा किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, इस तरह से आप लोग और ज़्यादा किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग और किचन कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग कितनी बढ़िया से हमारी ये कंपोस्ट पूरा ये सब तैयार हो गया है बहुत अच्छे से। अब ग्रो बैग में आगे हम लोग क्या उगाएंगे फ्रेंड्स इस पर हम लोग आगे बात करेंगे किसी और वीडियो में। कैसा लगा आज का सॉइल प्रिपरेशन का वीडियो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।